हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मेंडल का नियम। जी हाँ गाइज, ग्रेगर जान मेंडल, जिन्होंने अपना प्रयोग मटर के पौधे पे किया था। मैं बता दूं कि गाइज, मेंडल का नियम हर साल आप लोग के एग्जाम में आता है। जी हाँ गाइज, ये निश्चित होता है किसी किसी साल। मान लीजिए, देखिए इन्होंने तीन अपना नियम दिया था, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो मैं बता दूं कि देखिए, कभी कभी आप लोग के एग्जाम में पूरा पूछ देता कि मेंडल के नियम का उल्लेख कीजिए, तो उसमें उल्लेख कीजिए पूछ दिया, या उस पर मतलब टिप्पणी लिखिए, तो इनकी इनका जो ये तीनों नियम है, तीनों के बारे में आपको लिखना रहता है। और गाइज मैं बता दूं कि वो 7 नंबर या 8 नंबर के आप लोग के एग्जाम में, यानी दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में आता है, ठीक है। या फिर छोटे प्रश्न में पूछ दे, 2 मार्क 3 मार्क या 4 मार्क, तो उनका कोई एक नियम पार्टिकुलरली पूछ देगा, लेकिन ये गारंटी है कुछ ना कुछ तो इसमें से पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए, आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, मैं आपको एकदम अच्छे से इसको समझाऊंगा, बताऊंगा ऐसे, ठीक है। मैं आपको बताता चलूंगा और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग इस वीडियो को मन से देखोगे तो आपको उसके साथ साथ याद भी होता चलेगा। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट न करते हुए मैं इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। आप भी समझ सकते हो ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए चलते हैं, लेकिन उससे पहले कहूँगा, अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा ले, ठीक है, जिससे इस प्रकार की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले गाइज मैं बता दूं कि मेंडल का नियम, जिन्होंने अपना मेंडल का नियम, ये इनका नियम तीन भागों में विभाजित है, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। चलिए बारी बारी से हम सबको देखते हैं। सबसे पहले गाइज हम देखेंगे प्रभाविता का नियम, ठीक है। इनका फर्स्ट नियम प्रभाविता का नियम, प्रभाविता का नियम क्या था, तो देखिए प्रभाविता का नियम क्या था इनका। देखिए, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, ठीक है, जब विपरीत लक्षणों वाले, विपरीत लक्षणों यहाँ कहने से मतलब कि एक बौना, ठीक है, मतलब एक छोटा और एक बड़ा, ठीक है, विपरीत लक्षण यही आप लोग समझिएगा। विपरीत लक्षण कहने का मतलब यहाँ ये है कि एक बड़ा पौधा है तो एक छोटा, यानी एक लंबा है तो एक बौना है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो उनकी संतानों में से, ठीक है, एक ही लक्षण परिलक्षित होता है। एक ही लक्षण परिलक्षित होता है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि एक ही लक्षण दिखाई देता है, ठीक है गाइज, और दूसरा दिखाई नहीं देता, दूसरा दिखाई नहीं देता। देखिए, अब दिखाई नहीं देता इसका मतलब क्या, कि वो गुण उससे पूरा मतलब अलग नहीं हो जाता, उसी में छिपा रहता है, दिखाई नहीं देता है, ठीक है। और देखिए, पहले लक्षण को प्रभावी, यानी जो दिखाई देता है उसे प्रभावी, और जो और तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी, यानी जो दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी कहते हैं, ठीक है। ये प्रभाविता का नियम है। देखिए, मैंने आसान भाषा में लिखा हुआ है, आई होप आप लोगों को एकदम याद हो गया होगा अब तक। चलिए एक बार मैं और आपको पढ़ देता हूँ, उसके बाद ये उदाहरण के थ्रू आपको समझाता हूँ, आपको एकदम फर्स्ट नियम इनका क्लियर हो जाएगा। देखिए, जब विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण, ठीक है, कराया जाता है तो उनकी संतानों में से एक लक्षण ही परिलक्षित होता है और दूसरा दिखाई नहीं देता। पहले लक्षण को प्रभावी तथा दूसरे लक्षण को अप्रभावी कहते हैं, यानी जो दिखाई देता है उसे हम प्रभावी और जो नहीं दिखाई देता है उसे अप्रभावी कहते हैं। चलिए उदाहरण के थ्रू समझते हैं। उदाहरण के थ्रू देखिए, मैंने लिया है दो पौधे, एक शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है, या मान लीजिए शुद्ध लंबे पौधे कुछ हैं, ठीक है, यहाँ मान लीजिए शुद्ध बौने पौधे हैं, ठीक है, मैंने मान लीजिए कई ठे यहाँ पौधे हैं, ठीक है, या एक भी पौधा हो सकता है, ठीक। तो चलिए, जब यहाँ हम लेंगे तो जो शुद्ध लंबे पौधे होंगे उनको हम TT से, ठीक है, कैपिटल टी टाल टाल, ठीक है, कैपिटल टी ये प्रदर्शित करता है कि लंबा, शुद्ध लंबा पौधा, ठीक है। और ये मैंने ऊपर बताया कि जो ये शुद्ध लंबा पौधा होता है जिसके गुण दिखाई देते हैं उसको प्रभावी कहते हैं, तो यही हम लोग का प्रभावी है, ठीक है। और ये शुद्ध बौने पौधों को यही हम लोग का ये गुण नहीं दिखाई देता है। चलिए मैं आपको अभी बताऊँगा, इसे ही हम अप्रभावी कहते हैं। और शुद्ध बौने पौधों के हम किससे प्रदर्शित करते हैं, TT से, वो किसे, छोटे टी, स्मॉल टी से। तो आप लोग समझिएगा, ठीक है, टी बड़ा बड़ा टी जब रहेगा तो उसे समझ जाइएगा कि लंबा पौधा है, और दो छोटा TT रहेगा तो उस समझ जाइए कि बौना पौधा है। और गाइज एक आपको इस प्रकार मिलेगा कि एक बड़ा टी रहेगा और एक छोटा टी रहेगा, तो वहाँ भी समझ जाइएगा कि वो ये मतलब एक लंबा पौधा होने के लिए एक बड़ा टी ही काफ़ी है। तो अगर बड़ा टी और छोटा टी एक ही में हो, मिश्रित हो, तो वहाँ उसका मतलब बड़ा पौधा ही, आप लंबा पौधा ही समझिएगा, ठीक है। तो चलिए, और जब इन दोनों के बीच क्रॉस कराया जाता है दोस्तों, तो देखिए जब क्रॉस कराया जाता है तो मैं
बता दूं कि लंबा पौधा ही प्राप्त होता है, ठीक है, सभी लंबे पौधे यानी टी टी प्राप्त होते हैं, देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होते हैं, ठीक है, संकर के थ्रू, ठीक है, और ये F1 पीढ़ी में ये प्राप्त में होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब देखिए, इसका मतलब लंबा पौधा, मैंने आपको बताया ऊपर कि अगर कैपिटल टी और स्मॉल टी दोनों एक साथ हों तो उसका मतलब हमें लंबा पौधा प्राप्त हो रहा है, उसका मतलब लंबा पौधा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि लंबा पौधा के लिए हमें एक ही मतलब कैपिटल टी काफ़ी है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें लंबा पौधा है, ठीक है, तो हमें लंबा पौधा प्राप्त हो गया। अब देखिए ये इसमें हम लोग का यहाँ मैं आपको समझाना चाहूँगा, देखिए इसमें क्या हुआ कि हमको प्रभावी का लक्षण तो मिल गया, ठीक है, प्रभावी का जो लक्षण है वो परिलक्षित हो गया, लेकिन जो अप्रभावी था इसी में क्या हुआ कि इंक्लूड हो गया, उसी में मतलब समाहित हो गया, ठीक है, उसका लक्षण दिखाई नहीं दिया हमें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लक्षण इसमें से पूरा का पूरा गायब हो गया, इसमें लक्षण है। और मेंडल ने आगे चलकर अपने दूसरे पृथक्करण के नियम में यही बताया कि यह जो लक्षण है, ठीक है, इसमें जो छिपा हुआ है अप्रभावी जो लक्षण, ठीक है, यानी बौनेपन का गुण, वो अगले चलकर मतलब आगे चलकर पृथक्करण के नियम में वही मतलब अब बाहर होगा, ठीक है, यानी इससे अब अलग हो जाएगा, और यही इनका सेकेंड नियम रहा पृथक्करण का नियम। चलिए अब पृथक्करण का नियम आपको समझाता हूँ, आई होप इसको बताऊँगा तो आपको दोनों एकदम क्लियर हो जाएगा। देखिए पृथक्करण का नियम और प्रभाविता का नियम दोनों एक मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड है, और स्वतंत्र अवयवन का नियम जो है थोड़ा अलग है। तो चलिए अब इसको मैं समझाता हूँ, आई होप आप लोग को एकदम ये पहला क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मतलब केवल डिफिनीशन बोले तो आप लोग डिफिनीशन लिख दीजिएगा, और उदाहरण सहित बोले कि उदाहरण सहित समझाइए तो उदाहरण भी ये दे दीजिएगा, ऐसे दे देंगे, या यहाँ उदाहरण के तौर पे आप ये भी लिख सकते हो कि जब शुद्ध लंबे पौधे और शुद्ध बौने पौधे के मतलब एक दूसरे में क्रॉस कराया जाता है, ठीक है, तो हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त होता है, ठीक है, संकर, ठीक, जिसमें अप्रभावी लक्षण छिपा रहता है, ठीक है गाइज, ऐसे लिख सकते हो यहाँ उदाहरण के तौर पर ये, और ये चित्र बना सकते हो, या केवल ये चित्र भी बना दोगे तो आपको फुल मार्क मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं अगला जो प्रभाविता का नियम है, उसके बाद पृथक्करण का नियम। चूँकि हमने जाना कि F1 पीढ़ी में हमें सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, ठीक है, और वे संकर होंगे, यानी उसमें बौने पौधे भी होंगे लेकिन वो उसमें इंक्लूड होंगे, उनका मतलब गुण दिखाई नहीं देगा, यानी सभी के सभी लंबे होंगे, लेकिन ये कहने का मतलब ये नहीं कि जो लंबे पौधे हैं उनका अगर हम मतलब ये लंबे पौधे प्राप्त हो गए और फिर इसी में से दो मान लीजिए दो लंबे पौधों को हम क्रॉस कराते हैं तो उन दोनों से हमेशा लंबा पौधा ही मतलब उत्पन्न होगा, ऐसा नहीं मेंडल ने कहा, ऐसा कहा उन्होंने कि अप्रभावी के लक्षण इसमें छिपा रहता है लेकिन ये आगे चलकर मतलब उस शुद्ध बौने पौधे इस मतलब बन सकता है, ठीक है, उत्पन्न हो सकता है, ठीक है, यानी हम अगर टी मतलब ये जो हमें शुद्ध लंबा पौधा प्राप्त हुआ है और एक और शुद्ध लंबा पौधा दोनों में हम क्रॉस कराएं तो हमें बौना पौधा भी आगे चलकर प्राप्त हो सकता है, उन्होंने बताया था, और ये उन्होंने अपना पृथक्करण का नियम में सिद्ध भी किया था। चलिए आगे पढ़ते हैं हम पृथक्करण का नियम, इसमें आपको पता चल जाएगा। देखिए जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी पौधों में स्व परागण कराया गया, ठीक है, यह कराया जाता है, ठीक है, तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसे मेंडल का, ठीक है, इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं, ठीक है गाइस, और मेंडल के पृथक्करण के नियम को ही हम युग्मजों की शुद्धता का नियम कहते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, ऐसा इसलिए देखिए जैसे मालूम ऐसे नाम से ही मालूम चल रहा है कि युग्मजों की शुद्धता का नियम, यानी जो हम लोग के ये युग्मज इसमें हम लोग का जो इसमें युग्मज है ना कैपिटल टी स्मॉल टी, तो उसमें क्या होता है इसमें कि दोनों अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है, मैं आपको अभी उदाहरण दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, तो इसलिए अलग अलग हो जाते हैं, जो ये टी है वो अलग हो जाता है और ये टी अलग हो जाता है, यानी शुद्ध हो जाते हैं, ठीक है, एक ही में नहीं मिले होते, ठीक है, तो यानी प्रभावी और अप्रभावी इसमें दोनों एक ही में गुण है लेकिन आगे चलकर और पृथक्करण के नियम में अलग अलग हो जाते हैं, इसलिए हमें उसे युग्मजों की शुद्धता का नियम भी मतलब उसे कहते हैं, पृथक्करण का जो नियम है उसे, ठीक है, यानी सेकेंड नियम जो है मेंडल का नियम उसे युग्मज की शुद्धता का नियम या पृथक्करण का नियम भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखिए हम लोग की ये F1 पीढ़ी में हम लोग के सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए थे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, और आगे चलकर क्या हो पृथक्करण के नियम में वही कि जब F1 पीढ़ी के विषम युग्मजी, ठीक है, पौधों में स्व परागण कराया जाता है
तो दूसरी पीढ़ी F2 की संतानों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण हो जाता है, इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। ठीक है, और इसी को मैंने बताया कि युग्मजों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो यहाँ लिख सकते हो कि इसे मेंडल की पृथक्करण का या युग्मजों की शुद्धता अथवा युग्मजों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, ये लिख सकते हो। अब चलिए उदाहरण में इसको आपको बताता हूँ, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा उदाहरण बताऊँगा। तो देखिए उदाहरण में मैंने बताया कि प्रथम पीढ़ी के दो पौधों को मान लीजिए हम ले लिए। ठीक है, आप लोग देख सकते हो यहाँ एक पौधा और यहाँ एक पौधा, हम लोग का प्रथम पीढ़ी का ये पौधा है जो हम लोग का ये हम लोग को यहाँ प्राप्त हुआ। देखिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ भी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। अब दोनों में हम क्रॉस कराएंगे, ठीक है, यानी F1 गुड़े F1 यहाँ लिखा हूँ, आपको ये लिखने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऐसे ही मतलब बता दिया कि ये मतलब ये F1 पीढ़ी का ही है और ये भी F1 पीढ़ी का ही है। ठीक है, और इन दोनों में हम स्व परागण करते हैं, इसको इतना आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए जब इन दोनों में हम लोग क्या हुआ कि मेंडल ने क्या कराया कि मतलब क्रॉस कराया, तो आगे उसको मतलब कई सारे चार ठे रिजल्ट देखने को मिले। क्या मिले हम लोग को? कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, और स्मॉल टी प्राप्त हुआ। यानी यहाँ आप देखिए हम लोग को शुद्ध लंबे पौधे भी प्राप्त हो गए, और यहाँ शुद्ध बौने पौधे भी प्राप्त हो गए, और यहाँ हम लोग को संकर पौधे भी प्राप्त हो गए, संकर शुद्ध और बौने। ठीक है, यानी इसमें हम लोग इसका मतलब क्या, टी स्मॉल टी का मतलब मैंने आपको अगले मतलब पहले ही बताया कि यह लंबा पौधा है लेकिन इसमें बौने पौधे का भी गुण है। ठीक है, लंबा पौधा है लेकिन उसमें बौने पौधे का गुण है। ठीक है, ये भी लंबा पौधा है लेकिन उसमें बौने पौधे का गुण है, लेकिन ये इसमें क्या केवल मतलब ये लंबा पौधा है और इसमें केवल लंबे मतलब लंबे पौधे का ही गुण है, और ये बौना पौधा है और इसके अंदर केवल बौने पौधे का ही गुण है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो ये चार उसको रिजल्ट प्राप्त होते हैं। तो ये पृथक्करण का नियम यानी वही हम लोग का, देखिए इसमें हम लोग को एक ही में थे, और जब इन्हीं इसी F1 पीढ़ी के ही दो पौधों से क्रॉस कराए तो वो अलग अलग हो गए, यानी AT और AT। देखिए यहाँ अलग हो गया है ना, देखिए इसमें से ये मतलब देखिए यहाँ अलग हो गया, ठीक है, अलग भी हो गया और उसका संकर भी प्राप्त हो गया, यानी यही हम लोग का पृथक्करण का नियम हुआ। सेकेंड हम लोग को पृथक्करण का नियम मिलता है। और इसमें गाइज आप लोग देखिएगा बहुविकल्पीय में आप लोगों को एक प्रश्न पूछता है जीन प्रारूप यानी जीनोटाइप अनुपात पूछता है। तो देखिए इसमें जीनोटाइप अनुपात क्या है, जीनोटाइप अनुपात इसमें देखिए एक संबंध है दो संबंध है एक का इसमें जीनोटाइप अनुपात है। ठीक है, और एक लक्षण प्रारूप होता है यानी फिनोटाइप अनुपात। देखिए लक्षण प्रारूप मतलब देखिए कितने लंबे पौधे हैं, लक्षण कितने लंबे और कितने छोटे। तो देखिए ये हम लोग का लंबा पौधा है, ये तो सीधे TT हो गया तो लंबा पौधा है, और ये टी स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी लंबा पौधा है जैसा मैंने आपको ऊपर बताया कि देखिए लंबा पौधा होने के लिए एक ही कैपिटल टी का होना काफ़ी है। ठीक है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी है तो समझिए कि वो लंबा पौधा है। ठीक है, और अगर बौना पौधा के लिए देखिए मतलब डबल टी साथ में होना चाहिए और कैसा स्मार्ट। ठीक है, तो ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, ये लंबा पौधा, यानी तीनों ये लंबे पौधे और ये एक बौना पौधा है, यानी लक्षण प्ररूप। यही इन लोगों का लक्षण क्या है कि तीन लंबे पौधे और एक बौना पौधा, यानी लक्षण प्ररूप, यानी इसी को हम फिनोटाइप अनुपात कहते हैं। यह तीन संबंध एक का हमें प्राप्त होता है, और जो जीन प्ररूप है जीनोटाइप अनुपात वो हमें एक संबंध दो संबंध एक का प्राप्त होता है। यानी ये देखिए यहाँ हम लोग का इस जीनोटाइप मतलब शुद्ध हम लोग का शुद्ध लंबा पौधा एक, ठीक है, और शुद्ध बौना पौधा एक, और दो हम लोग को संकर पौधे प्राप्त होते हैं, यानी जो जिसमें शुद्ध और यानी प्रभावी और अप्रभावी दोनों का लक्षण होता है, तो बीच में हम लोग का संबंध दो हो गया, यानी वही हम लोग का जीन प्ररूप यानी जीनोटाइप अनुपात, सॉरी यहाँ अनुपात मैंने लिख दिया अनुपात है। ठीक है, अनुपात हम लोग का एक संबंध दो संबंध एक मतलब आया। ठीक है गाइज, तो आप लोग को एग्जाम में केवल उदाहरण लिखकर ये लिख देना है, ये आपको नहीं लिखना है, मैंने आपको इसमें मतलब यही इस मतलब इसके थ्रू आपको समझा दिया। ठीक है, तो आई होप आप लोग को ये सेकेंड नियम भी जो पृथक्करण का नियम है एकदम क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग का प्रभाव आप लोग को एकदम प्रभाविता के नियम पृथक्करण का नियम अब तक याद भी हो गया होगा, और ये वीडियो अब तक जितना मैंने बताया आपको काफ़ी अच्छा भी लगा होगा। गाइज वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, इसलिए मैं स्वतंत्र अभ्यूहन का जो नियम है उसे छोड़ता हूँ, आप लोगों पे छोड़ता हूँ। आप लोग जितना कमेंट कर सकते हो कमेंट करिए कि भाई स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम भी बताओ हमें, तो उसको भी मैं किसी अन्य वीडियो में शामिल कर लूँगा और आपको अच्छे से बताऊँगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूले दोस्तों। तो बस थैंक यू।